टीएनटी को ब्लास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, फ्लिंट तो कर दिया। तो ये मोजैंग ने रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होकर किया, कैसे आप मत से जो है होपर में सामान डाल सकते हो। कैसे मेरे मन जब आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कुछ ऐसे फैक्ट जो कि आपको नहीं पता थे। लेकिन अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आपको पता चल जाएंगे माइनक्राफ्ट के सभी फैक्ट और आप बन जाओगे माइनक्राफ्ट में एकदम से प्रो। तो आइए बिना देर के आपको बताता हूँ कुछ ऐसे फैक्ट जिससे आप बन सकते हो गेम में एकदम से। नंबर वन गाइस, आपने इस एंड क्रिएचर को आपने एंड सिटी में देखा होगा, लेकिन आपने ये अपने दोस्त के हाथों में देखा होगा। तो आप इसको कैसे यूज करते हो? आप इसको यूज करते हो ऐसे मारने के लिए या फिर घर को तबाह करने के लिए, लेकिन आपने कभी इन चीजों पे तो ध्यान ही नहीं दिया। अगर आपने इसको ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि इसके ऊपर सीक्रेट लैंग्वेज कोई अलग अलग लेटर्स लिखे होंगे। तो आइए आपको बताता हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसके ऊपर लिखा हुआ हमारी गेमर कंपनी का नाम यानी मोजैंग, जो की है माइनक्राफ्ट की डेवलपर। भाई मोजैंग ने अपना नाम कहीं भी नहीं छोड़ा। नंबर टू गाइस, लावा में ब्रिजिंग करना तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि अगर लावा में आपके पास ब्लॉक होंगे तो ब्रिजिंग करना तो ईजी हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पास कोई भी कारपेट होगा जैसे कि हमारे पास है, आपको ऐसे कुछ कारपेट लगाने के बाद ऐसे आप ब्रिजिंग इजीली कर सकते हो। लेकिन 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 ये जो कारपेट आप देख रहे हो भाई, ये जल भी जाता है, जैसे कि गाइस आप देख पा रहे हो कि कैसे भाई ऊपर वाले कारपेट को भी आग लग चुकी है। लेकिन 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 गाइस यार, अगर आपके पास है मोस कारपेट तो आपको गाइस यार डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि मोस कारपेट पे आप इजीली जो है लावा के ऊपर भी ब्रिजिंग कर सकते हो। आपको कहना है मोस कारपेट लेने के बाद आप कुछ ऐसे ऐसे लगाते चलिए कि आपका ब्रिज जो है एकदम से स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो आप उसके बाद आप कुछ ऐसे ऐसे ब्रिजिंग भी कर सकते हो। नेक्स्ट लेवल ब्रिजिंग करके आप अपनी मंजिल पे पहुंच सकते हो, वो भी इजीली। भाई मोस कारपेट तो इजीली आपको दिख ही जाएगा, कूल तो है भाई। नंबर थ्री, टीएनटी को लैंड में फोड़ने में बहुत ज्यादा इजी होता है, लेकिन अगर हम बात करें वही वाटर में फोड़ने की, तो गाइस आपके सामने दे पा रहे हो कि कैसे मैं वाटर में गया इसको करता है टीएनटी को ब्लास्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, फ्लिंट तो कर दिया आपके सामने, आप देखना कि कोई भी चीज फोड़ नहीं पाता है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आप जो आप पानी में भी ब्लास्ट कर सकते हैं, तो आइए बताता हूँ। सबसे पहले कैसे आपको करना है, आपको टीएनटी लेके उसको प्लेस करने के बाद ऊपर आपको सैंड रख देने, क्योंकि वो ग्रेविटी ब्लॉक होता है, वो नीचे आ जाएगा जब भी ये फुटने लगेगा। तो कैसे आपके सामने दे पा रहे हो, अब इसको करते हैं फ्लिंट और आप देख सकते हो कि कैसे भाई ये ग्लिच हो चुका है, आप देखना कैसे फुटेगा। तो गाइस आप लोग देख पा रहे हो कि कैसे इसने भाई धमाका भी कर दिया है। नंबर फोर गाइस, आप इस बंदे को तो अच्छी तरीके से जानते होंगे, ये है अपना लीजनर। अगर आप इसको बोर्ड में बिठाओगे उसके बाद नीचे जाओगे तो आप देख सकते हो कि इसकी भाई नीचे भी दो टांगे निकली हुई है। पता नहीं भाई क्या ये, इसकी दो नीचे टांगे निकली हुई या फिर इसका सूट है। अब देख पा रहे हो कि कैसे आराम से बोर्ड में बैठा है, लेकिन अगर यही मैं सर्वाइवल में जाता हूं आपके सामने देखना कि कैसे मेरे को मारेगा। ये देखिए इसकी जो है तीर मारने लग पड़े, किधर भी जाएगा ना ये मेरे को तीर मारता ही जाएगा। अब इसके मैं पास जाने वाला हूँ और आप देख पा रहे हो कि भाई कैसे इसने अपनी इल्यूजन बना दिया, और देख पा रहे हो कि इसकी टांगे तो है नीचे भी है और ऊपर ये बैठा भी हुआ बोट में। भाई क्या ग्लिच है भाई, ये बंदा तो लग ही नशे में है। नंबर फाइव गाइस, आप सबको पता कि अगर हम इनविजिबिलिटी वाला पोशन पी लेते हैं तो कोई भी हमें नहीं देख पाता। आपके सामने देख पा रहे मेरे पे ऊपर एरो बजे हुए हैं, लेकिन मेरे को अभी भी कोई नहीं देख सकता, कोई भी मेरे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता। लेकिन एक ऐसी चीज है जो कि हमें फाइंड कर सकते हैं, वो है हमारा एन्चेंटिंग टेबल। आपके सामने देख पा रहे हो भाई कैसे बुक खोल के मेरे पीछे पीछे आ जा रहे हैं। भाई इसने तो इनविजिबल वाले पोशन की लगा रखी है। भाई कैसे बंदों को भी पता चल सकता है कि कोई भी अगर इनविजिबल हुआ हो तो उसके पीछे पीछे ये बुक खुलती रहेगी। भाई इसको तो तोड़ ही दो, नहीं तो ये तो पोशन का कोई मतलब ही नहीं रह गया। नंबर सिक्स गाइस, क्या आपको पता है कि अगर स्लाइम बड़ी हो तो वो हमसे भी तेज भाग सकते हैं, अगर साइज उसका भाई 8 से अबव हो तो वो हमसे भी तेज भाग सकते हो। तो आइए देखते हैं भाई ये भाग पाती है या फिर नहीं। भाई ये तो छुटकू सी है, लेकिन अगर बड़ी स्लाइम होती जो कि घर जितनी होती तो वो हमसे भी तेज भाग सकती, क्योंकि गाइस यार इसमें भी साइज होते हैं कि ये हमसे तेज भाग सकते हैं विद साइज। अगर इनका साइज इंक्रीज होगा तो इनकी स्पीड भी इंक्रीज होती रहेगी। नंबर सेवन गाइस, आप सबको पता है अगर मैं एक्सेलोड को जिंदा फिश खिलाते हैं, आपके सामने देख पा रहे हो कितनी सारी फिश मैंने स्पॉन करते हो और इसको मारकर खाने भी लग चुके हैं। लेकिन गाइस अगर यही मैं इसको मरी हुई फिश खिलाने की कोशिश करूं तो ये तो नहीं खाते, लेकिन भाई मैं जरूर खा लेता हूं। तो गाइस ये मोजैंग ने रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होकर किया, क्योंकि रियल लाइफ में जो एक्सेलोड होते हैं वो मरी हुई फिश नहीं खाते, लेकिन भाई वो जिंदा को निगल जाते हैं। नंबर एट गाइस, आपने कोबल स्टोन को बहुत यूज किया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि कोबल स्टोन जैसा एक और स्टोन है जो कि उसके साथ सेम दिखता है? जी हाँ, मैं जंगल टेम्पल वाले कोबल स्टोन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसके साथ एक सेम जिसको कि बस रंग करके गेम मैट कर दिया गया है, वो है हमारा एंडस्टोन, जो कि भाई देखने में बिल्कुल इसके जैसा ही लगता है, इसको बस रंग कर गेम में डाला गया है, जो कि आपको एंड में भरपूर देखने को मिल जाता है। नंबर नाइन गाइस, हाल ही में ऐड हुई 1.20 में हमारी ये सस्पिशियस सैंड और ग्रेवल, जिसे हम झाड़ू से दिखने वाले ब्रश से काफी अच्छी अच्छी चीजें ले सकते हैं। लेकिन गाइस क्या आपको पता है, इस सैंड और ग्रेवल के अपडेटेड वर्जन में जो है हम माइनक्राफ्ट की हर चीज को ले सकते हैं, जैसे कि भाई इसको हम ब्रश करके आपके सामने देख पा रहे हो कि ब्रश लेने में कितना टाइम लग जाता है, लेकिन भाई हमें भरपूर चीजें भी देता है। नंबर टेन गाइस, मैंने आपको अपनी पिछली फैक्ट वीडियो में बताया था कैसे आप मत से जो है होपर में सामान डाल सकते, लेकिन क्या आपको पता है ऐसे एक और ब्लॉक है जो कि ऐसे सेम काम करता है और हमारे डेली यूज में भी वो काम आता है, तो वो है गाइस हमारी डर्ट। डर्ट को हम अगर ऐसे लगाते हैं उसके ऊपर हम मारते हैं शॉवल, जो कि एक पिक्सल को कम कर देते हैं, ऊपर से घास कम होने के कारण आपको जो इसको तोड़ लेना है। तो गाइस उसके बाद अगर आप इसको होपर के ऊपर लगा के इसके नीचे सामान फेंक सकते, तो इजीली गाइस आप देखना कि कैसे ये
सम्मान को ऑब्जर्व कर लेता है। आप पे सामने देख पा रहे हो कि कैसे नीचे चला गया, आप चेस्ट में चेक करते हैं आया भी है नहीं। तो खोलता हूँ तो गाइस देख पा रहे हो कि कैसे मेरे पास डर्ट पार्ट जो आ चुका है। नंबर 11 गाइस रेल को कौन नहीं यूज करता, लेकिन भाई किसी को ये नहीं पता है जो हमारी रेल होती है उसको बनाने में जो एक पिकेक्स लगती है। इसमें भाई एक पिकेक्स नहीं लगती, अगर आप इसको जितना भी राउंड करोगे तो उतनी ज्यादा पिकेक्स लगती है। इसका सबूत देने के लिए मैं आपको ले आऊँ इधर कुछ, आप देख रहे हैं कि कैसे भाई जो हमारी पिकेक्स बनकर इधर आ चुकी है। आपके सामने देख पा रहे हो एकदम से पिकेक्स लग रही है। उसके बाद अगर मैं इधर राउंड की बात करूँ तो आप देख पा रहे हो कि कैसे भाई इधर भी राउंड में पिकेक्स एकदम से बनी हुई है। आगे से भाई इसको तोड़ने के वक्त पिकेक्स हो या निकाल लेना। नंबर 12 गाइस हमारी एंचेंटमेंट के बिना तो हमारा सामान कुछ भी नहीं, क्योंकि एंचेंटमेंट जो है हमारे सामान में एकदम से दम डाल देती है, यानी उसको और ज्यादा पावरफुल बना देती है। लेकिन भाई अगर आपको एंचेंटमेंट के ये रूल पता होंगे तो भाई आपको बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अगर आप जो है बो को एकदम से एंचेंट करने जाते हो पहले लेवल पे तो आइए फिर इसको बनाते पावरफुल। आप जाते हो उसके अंदर तो आप अगर इसको बो को ऐसे कुछ लगते हो उसके बाद लैपिस रखते हो आप देखो कि थे हमेशा पहले नंबर पे जो आपको पावर वन ही देखने को मिलेगी। कई बार तो भाई टू पे भी मिलती है, आप देख पा रहे हो कि कैसे भाई मे को जो पावर वन ही देखने को मिलती है। गाइस ये एंचेंटमेंट जो है हमारे मूड को एकदम से खराब करने के लिए सफल होती है। नंबर 13 गाइस गेम में काफी ज्यादा हेड जो एड होने लग पड़े, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि कैसे हमारा पिकलिंग का हेड इधर है जो कि रेडस्टोन पे अपने कान जो है एकदम से हिलाता है। लेकिन गाइस क्या आपको पता है कि अगर हम यही पिकलिंग को स्पॉन करके इसको इसका हेड पहना देते, आपके सामने देखे मैंने ड्रॉप कर दिया और देखते हैं भाई ये हेड पैन आपके सामने गाइस यार देख पा रहे हो इसने अपना ही हेड पैन और इसके देखे चार चार कान जो एकदम से आ चुके हैं जो कि देखने में काफी ज्यादा डेविल लुक दे रहे हैं। नंबर 14 गाइस यार आज तक विंडिकेटर ने किसकी बैन नहीं बजाई, आपके सामने देख पा रहे हो कि मैंने विंडिकेटर को एकदम से स्पॉन कर दिया, इसके साइड में कर देता है विलेजर और आप देख पा रहे हो कि कैसे भाई ये विलेजर को कैसे मार रहा है। भाई बहुत ज्यादा गंदा मारता है, मेरे को बहुत बार इसने मारा हुआ है। लेकिन क्या आपको इसके बारे में एक ये फैक्ट पता है कि अगर हम विलेजर स्पॉन करते हैं जैसे कि नॉर्मली, आपके सामने देख पा रहे हो कि भाई मैंने इधर जो है विलेजर स्पॉन कर दिया, इसके साइड में करने वालों विंडिकेटर को स्पॉन, ये देख सकते हो कि कैसे भाई ये एकदम से इसकी धोबी पछाड़ करने लग पड़ेगा और देखते देखते भाई इसने तो इसको मार भी दिया। उसके बाद अगर यही मैं विलेजर को फिर से स्पॉन करता हूं उसके साथ में इसका बच्चा भी कर देते हैं, तो देख पा रहे हो कि कैसे मैंने इसका बच्चा भी कर दिया, दो बच्चे हो चुके हैं। और आपके सामने भाई आप देख पा रहे हो कि ये जो है बच्चों का नहीं मारता है, भाई देखने में तो भाई ये बहुत ज्यादा करूड़ रखता है लेकिन भाई ये बच्चों को छोड़ देता है। भाई विंडिकेटर यार तूने तो दिल जीत लिया, लेकिन भाई थोड़ा कम मारा कर। नंबर 15 गाइस आप सबको पता है कि इन्वेंटरी में बहुत ज्यादा सामान होने के कारण क्रिएटिव में भी हमें सामान देखने को नहीं मिलता है। अगर मैं सर्च करता हूँ फ्लावर, आपके सामने देख पा रहे हो कि मैं सर्च करने वाला हूँ फ्लावर, आपके सामने देख सकते हो कितने ज्यादा थोड़े फ्लावर आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं यही आपको एक फैक्ट बताऊं तो उसके साथ आप पूरे फ्लावर लेकर आ सकते हो। उसके लिए कैसे यार आपको सर्च करना होगा हैशटैग, उसके आगे आपको लिख देना है फ्लावर। आप देख पा रहे हो कि कैसे भाई सारे फ्लावर एकदम से निकल आ चुके हैं। तो निवासी वाच के वीडियो यही है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।